राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे जय माता की। कैसे आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय माता की हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोष व्रत की कथा। 27 सितंबर दिन बुधवार 2023 को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। बुधवार को पढ़ने के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। गणेश उत्सव के दौरान जब ये व्रत आता है और दिन बुधवार का होता है तो इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान शिव और माता गौरी के साथ साथ मंगलकारी, मंगल मूर्ति विनायक जी, भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और समस्त कष्ट दूर होकर मंगलकारी कार्य होते हैं। तो आइए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराए पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन सा है? स्त्री कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, दोनों की एक ही शक्ल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और वह मन ही मन बहुत परेशान होने लगी। बीच राह में पत्नी को इस तरह देखकर वह पुरुष मन ही मन शिवजी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ऐसी उसने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत को करने लगे। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रखने से सुख की प्राप्ति होती है और सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से ये कथा बुध प्रदोष व्रत की है। यदि आपके लिए ये कथा थोड़ी भी सहायक हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार से हम आपको संपूर्ण व्रत की जानकारी देते रहेंगे और आपको कथा भी सुनाते रहेंगे। पूर्ण विधि के साथ सारे व्रतों की जानकारी की वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।